नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रंकावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिल्कुल फ्रेश और एक एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड पॉइंट। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, अबेकस नॉलेज तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। अगर आपको अबेकस की बुक्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए और अबेकस किट कंप्लीट चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके हमसे ये किट मंगवा सकते हैं। तो एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं COD के बारे में। COD सर्विस वो हमसे मांगते हैं कि जब हमारे पास पार्सल आए तब हम उस किट की पेमेंट कर दें। तो देखिए, अभी हमारे पास COD की जो सर्विस है वो अभी हमारे पास नहीं है। COD लेने के लिए काफ़ी एजेंसीज में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और उसका जो एक पार्सल का अलग से चार्ज होता है तो वो काफ़ी लंबी प्रोसेस एक है। तो इन फ्यूचर जरूर ये पॉसिबल होगी, COD की सर्विस हम आपको देंगे, लेकिन इस टाइम में अभी हमारे पास COD की सर्विस नहीं है। आपको पहले पेमेंट करनी होती है, देन हम आपका ऑर्डर जो है डिस्पैच करते हैं। तो इतना सा भरोसा आपको हम पे करना होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अबेकस सीख रहे हैं या सीखने की इच्छा है तो आपको मिड पॉइंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, अबेकस के अंदर जो सेंटर बार होता है, सेंटर बार के ऊपर 5 पॉइंट्स होते हैं व्हाइट कलर के। तो सबसे जो बीच में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से ही हम सारी कैलकुलेशन जो है स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो कोई भी कैलकुलेशन हो, हमेशा हम मिड पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऐसा क्यों है कि मिड पॉइंट से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मिड पॉइंट के बारे में बताइए, मिड पॉइंट से ही हम कैलकुलेशन स्टार्ट क्यों करते हैं, साइड में से क्यों नहीं कर सकते, और भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट से ही हम स्टार्ट क्यों करते हैं। तो देखिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि एक अबेकस के अंदर रूल है कि हम कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करें वो मिड पॉइंट से ही करेंगे। तो देखिए, इसका बस एक सिंपल सा रीज़न यही है कि मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आएगी। अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा डिजिट्स की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, लाख की, 10 लाख की या करोड़ तक भी हमारी अगर कैलकुलेशन पहुँच जाती है अगर प्लस माइनस के अंदर, तो यहाँ से इस पॉइंट से हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, हम आगे की हमारे पास रोड्स नहीं रहेगी, लाख 10 लाख की जो है रोड्स हमारे पास आगे नहीं रहेगी। तो इस कारण से क्या है कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम चाहे कितनी भी लंबी कैलकुलेशन हो, कितनी भी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो, तो हम इजीली कर सकते हैं, हमारे पास रोड्स अवेलेबल होगी। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, हमने इस साइड से हम नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए इस साइड से अगर हम करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट से भी ज़्यादा स्पेस होगा, है ना। तो देखिए, इस पॉइंट से हम क्यों नहीं करते, तो इस पॉइंट का भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि ये एक मुझसे काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते भी हैं कि मान लीजिए ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट की इधर वाली साइड जो है कैलकुलेशन हो जाती है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, सारा काम यहाँ पे हो जाता है, तो मिड पॉइंट के इधर वाली जो साइड है वो कब कम आती है। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूँ कि मिड पॉइंट के इधर वाली साइड में हम कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर वाली जो रोड्स है, इधर वाली जो बिट्स है, ये हम काम में लेते हैं डिवीजन के अंदर। जब हम डिवाइड करते हैं तब ये हमारी जो इधर वाली साइड की जो बिट्स है तब काम आती है। डिवाइड के अंदर क्या होता है कि मिड पॉइंट की इधर वाली साइड भी कुछ बिट्स काम में आती है और मिड पॉइंट से इधर वाली बिट्स भी काम में आती है। तो डिवाइड के अंदर भी हमें ये बिल्कुल मिड पॉइंट ही हमारा जो है बिल्कुल सही रहता है डिवाइड के अंदर, क्योंकि हमें मिड पॉइंट से इधर भी चाहिए बिट्स और इधर भी चाहिए। तो बराबर के अंदर इधर डिस्टेंस होगी, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, तो बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा और जो भी सीख रहा है बच्चा तो कंफ्यूज नहीं होगा अगर इधर और इधर बराबर डिस्टेंस रहेगी। तो बस ये छोटी सी कंफ्यूजन थी जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी टॉपिक है अगर आपके दिमाग में अबेकस से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहा या आप वो सीखना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे वो टॉपिक जो है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो कोशिश करूंगा पूरी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर मुझसे शेयर कीजिए। तो
मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।